आप देख रहे हैं CN24। खबर सिद्धार्थनगर से लेखपालों के हड़ताल की। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांतीय आह्वान पर सिद्धार्थनगर में लगातार लेखपाल सातवें दिन भी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य के बहिष्कार के साथ धरने पर बैठे हैं। गांधीवादी विचारधारा के अंदाज में धरना दे रहे लेखपाल संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में लेखपाल धरने पर बैठे हैं। अपनी मांगों में वेतन विसंगतियां और पेंशन के साथ साथ भत्ता वृद्धि, लैपटॉप और पदोन्नति आदि मांगों को लेकर धरनारत हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। इस धरने से सबसे अधिक प्रभावित किसान और विद्यार्थी हैं। चाहे इनका कोई काम हो या ना हो, लेखपालों के लगातार धरने से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों और पढ़ने वाले बच्चों का ही हो रहा है, जो आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। पारिवारिक कला के वजह से वो चले गए और उस समय साथियों हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारी मांग पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो नहीं कुमार यादव जी, सभी तहसीलों के पदाधिकारीगण, लेखपाल संघ के बहादुर साहब, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 2016 में लेखपाल संघ आवाज दो सर, ये गलत मैनिस लगा रहे हैं। इस्मा लगाने का उचित नहीं बनता है। हम कोई ऐसा नहीं है कि हम अस्पताल से बधे हुए हैं कि अस्पताल की जो दूसरा नुकसान हो जाएगा। ये जबरदस्ती योगी लगाए हैं। जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, जब सांसद थे लोकसभा में, तो इन्होंने अखिलेश सरकार को लिखित रूप से अपने पैड में दिया था कि जो लोकपाल की 6 सूत्रीय मांग जायज है, इसको हर हाल में पूरा करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आज जो सरकार में है, प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री है, उन्हीं को करना है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं जिले के जिलाधिकारी भी अब इन धरनारत लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई के मूड में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू है, जिसके कारण कोई भी सरकारी कर्मचारी धरना नहीं दे सकता है। ऐसे धरनारत लेखपालों को नोटिस जारी किया जा रहा है, उसके बावजूद अगर इनका धरना खत्म नहीं हुआ तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लेखपालों का धरना चल रहा है। लेखपाल भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन अपनी बात सुनने का एक तरीका होता है। और जब सरकार ने 3 तारीख से एसेंशियल सर्विसेज में ला दिया है लेखपालों को, और ये कहा गया है कि अब उनका धरना करना इलीगल है, तो उन्हें भी इसका पालन करना चाहिए। और ये बात अच्छी नहीं है कि आज 9 तारीख भी हो गई है, अब तभी लोग धरना हड़ताल कर रहे हैं। इस क्रम में नोटिस भी जारी किए जाएंगे, और अगर इसके बाद भी नहीं बन पाता है तो कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं CN24।